मजा आ रहा है थल जी प्रेली में। इधर रेसेस भी हो रही हैं और ये ट्रैक देखे आप, पहले ट्रैक की क्या हालत की हुई है यहाँ की। वहां मैंने सारा ट्रैक खराब कर दिया है, रेसर्स क्या करें। अभी यहाँ से एक गाड़ी गई है, वहां से जीप आ रही थी, आगे से दूसरी गाड़ी गई है। अल्लाह के शुक्र से वो बच गया है बंदा, थोड़ा सा चोट लगी है। से बात करें, कैसा लग रहा है आपको? जी अस्सलाम वालेकुम, अच्छा लग रहा है बहुत। या ट्रैक अच्छा है या थोड़ा खराब कर दिया उन्होंने? नहीं ये है तो अच्छा, लेकिन जो दूसरे लोग है ना, जो वैसे फ्री आ रहे हैं वो खराब कर रहे हैं। देखे कोई एक गाड़ी यहाँ से गई है, दूसरी आ रही थी आगे। बिल्कुल गई थी बिल्कुल खराब की है ना इन्होंने। बिल्कुल खराब किया है। वो तो जहाजा आ रहा था पहले। बिल्कुल ये इनको आगे से नहीं आना चाहिए। ये इंतजामिया इधर की है, खराब किया हुआ। यहाँ बस 10 किलोमीटर तक पानी लगाते हैं, यहाँ नहीं लगाया हुआ, 2 किलोमीटर भी नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे लग रहा है? कैमरा भी है और किसी का इंटरव्यू किया आज? हाँ जी, अभी एक दो बंदे का करके हटे हैं। तो कैसा लगा आज? बहुत मजा आ रहा है, ट्रैक लेकिन खराब है इधर का, ट्रैक खराब कर दिया यहाँ की। वहाँ पहले आपने क्वेश्चन में लोगों से जब इंटरव्यू किया तो आपने ये सवाल भी किया कि ट्रैक खराब है, क्या कहेंगे उनसे? किया सवाल, वो कह रहे हैं खराब है। कुछ लोग कहते हैं ठीक है, जो ऐसे हैं फजूल के आए हुए, देख रहे नहीं है कुछ। इसके साथ साथ लोग वहाँ से गाड़ियाँ भी आ रही हैं, ये बहुत नाइंसाफी है रेसर्स के लिए। वो नादिर मक्सी साहब ने भी कहा है ये ट्रैक बिल्कुल खराब किया हुआ, यहाँ पानी भी नहीं लगाया, कोई हल भी नहीं फेरी हुई है। उसके साथ साथ शायकीन की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। और शायकीन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल मकसूद की तरफ जो है वो रवाना हो गए हैं, क्योंकि इंटरव्यू नहीं देना चाहते। तो आप क्या कहेंगे भाई, कैसे लग रहा है थल जी रैली पे? अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए आप? करोड़ लाली सन से। करोड़ लाली सन से बड़ा सफ़र करके आए हैं, तकरीबन 90-100 किलोमीटर बनता है। जी हाँ, तकरीबन इतना बनता है। तो कैसे को मज़ा आया है आज सातवीं थल जी? मज़ा बहुत है, बस ये बदनज़मी है ये लोगों की वजह से ना, ये रूटीन ख़राब की हुई है। आप क्या कहेंगे भाई जी, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन ये जो ट्रैक का है ना, लोग बहुत ज़्यादा ट्रैक के करीब आ रहे हैं और प्राइवेट गाड़ियां जो हैं ये लेके आ रहे हैं, इन्होंने ट्रैक का सारा सिस्टम खराब किया। अच्छा, इस बार जितने रेसर्स के भी मैंने इंटरव्यू किए हैं, पाकिस्तान के नामवर रेसर और खातून रेसर जो थी, तो ये कह रही थी कि बड़ी बदनज़मी फैलाई गई, पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो तबाह किया हुआ है, कुछ भी इंतजाम नहीं है, गड़े लोगों ने खोदे हुए हैं। ये जो हमारे पॉजिटिव फेज ऑफ पाकिस्तान दिखाने के लिए पूरी दुनिया से रेसर यहाँ पे आते हैं, क्या इमेज आएगा? ऐसे ही है, ये जो सिक्योरिटी का इधर है मामला, ये ठीक नहीं है, इन्होंने ट्रैक को बिल्कुल ख़राब किया हुआ है। ये निज़ाम सिक्योरिटी का बेहतर करना चाहिए इन्हें, और ये जो ट्रैक है बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि वो जो आउट ऑफ कंट्री से लोग यहाँ आते हैं और रेस का ये जो मुकाबला होता है वो अच्छी तरह से हो सके। तो इस तरह का तमाम